इमरान, मैंने कैंपेन रन करनी है, मेरा बजट कितना होना चाहिए डेली का या टोटल? अच्छा, आप कभी भी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना बजट होना चाहिए अनलेस अगर आप उसके बारे में रिसर्च नहीं करते। कोई भी ऐड रन करने से पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए कि मेरी ऑडियंस क्या है और मैं किसके लिए ऐड बना रहा हूँ, कब और क्या कोई प्रोमो चल रहा है या सीज़न क्या है, कोई इवेंट है या एनीथिंग रिलेटेड। इस तरीके से एक तो ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि आप ये चेक करें कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऐड रन कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म का एस्टिमेटेड रिजल्ट क्या बता रहा है। अगर लेट्स से अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल हमें बताता है कि अगर आप इतना बजट डेली रखेंगे तो इतने एस्टिमेटेड क्लिक्स आएंगे। और इस तरीके से अगर आप फेसबुक के ऊपर लीड जनरेशन की कैंपेन रन करते हैं तो वो भी आपको बताता है कि इस तरीके से इतना बजट रखेंगे तो इतनी लीड आएंगी। तो कोई फिक्स नहीं होता, यू हैव टू डू रिसर्च और उस हिसाब से आप कैंपेन का जो बजट है वो स्ट्रक्चर करते हैं। इसके अलावा ये होता है कि स्ट्रैटेजी होती है। समटाइम्स हम दो चीज़ें करते हैं, ए बी टेस्टिंग करते हैं, मतलब दो ऐड रन करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा वाला ऐड ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। दूसरे एंड के ऊपर ये होता है कि हम स्लोली स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं बजट को, और समटाइम्स ये होता है कि हम ज़्यादा बजट पुट करके उसको कम करते भी लेकर आते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी किस टाइम के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आप जब भी हम कैंपेन रन करते हैं बजट डिसाइड करने से पहले आप ये चेक कर लें कि आपके कंपेटिटर क्या कर रहे हैं। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, फॉलो मी फॉर मोर।